여기야. 가만 내 여기야. 가만 내 여기야. 이차례야. जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ये फरमा दिया कि बेशक ये जिक्र हमने उतारा है और हम ही इसके निगहबान हैं, तो अल्लाह पाक की ज़ात ने इस्लाम भी तो उतारा है और हर इंसान को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दिया है कि वो अपनी फ्री विल से खुदाए बुजुर्गो बरतर के बताए हुए रास्ते पर अगर चलना चाहे तो चल सकता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश रियासत में एक छोटे से गाँव के अंदर एक मौलवी साहब जमात करवाने के लिए तशरीफ ला रहे थे कि रस्ते के अंदर उन्हें हिंदुत्व और आरएसएस के कुछ बागियों ने हैसल करने की कोशिश की और इस हैकलिंग के अंदर पुलिस वाले फौरी तौर पर इंडल्ज हुए और उन्होंने इन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को, इन शिद्दत पसंदों को दूर किया और मौलवी साहब ने आकर सफ़ें दुरुस्त करवाईं, अल्लाह अकबर का नारा लगाया, नमाज शुरू की और सलाम फेरा। अल्हम्दुलिल्लाह ना तो किसी पर कोई हाथ उठा सका और ना ही इन मुसलमानों के जज्बे मुतजलजल हुए इस तरह के घटिया क्राउड की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुसलमान के दिल में जब अपना खौफ पैदा कर दे तो दुनिया का खौफ मुअत्तल हो जाता है।